अभी हम किचन में नहीं है, आप देख रहे होंगे मेरा जो बैकग्राउंड है, तो अभी हम अपने किचन में नहीं है, लेकिन अभी तुरंत हम जाने वाले हैं अपने किचन में। और आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं बिल्कुल सिंपल सा एक आलू का भुजिया, जो खाने में बड़ा ही कुरमुरा लगने वाला है भाई, आप लोगों को खाकर बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो आप भी देखिए हमारा ये रेसिपी, और अगर अच्छा लगे तो अपने किचन में ट्राई करना। जैसा कि हमने आपसे कहा कि आज हम बनाने वाले हैं आलू की भुजिया, तो आलू की भुजिया बनाने के लिए हमने लिया है 3 बड़े साइज का कच्चा आलू, जिसे मैंने अच्छे से छील लिया है, छील के हमने धो भी लिया है। हमें इतना ही बनाना है, अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप इससे ज़्यादा आलू ले सकते हैं। छीले हुए आलू को अब हम ग्रेट कर लेंगे इस तरह से। ग्रेट करने के बाद अब इसे हम कम से कम 3 से 4 बार पानी से धोएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने आलू को धो लिया है, खूब अच्छे से धो के छान लिया है। अब इसमें हम डालेंगे फ्रिज का ठंडा पानी। ठंडा पानी डालने के बाद आलू को कम से कम हमें आधा घंटे के लिए छोड़ देना है। ये जो अभी हम आलू का भुजिया बनाने वाले हैं, ये खाने में बड़ा ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, तो आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करना अपने किचन में, और देखना खाकर बहुत ही अच्छा लगेगा आपको खाने में। ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है। आप चाहो तो अपने हस्बैंड को ये टिफ़िन में भी दे सकते हैं, अपने बच्चों को भी टिफ़िन में दे सकते हैं। मैं तो कभी कभी मेरे घर में गेस्ट आ जाता है तो मैं चाय के साथ दे देती हूँ, दाल चावल के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार आप इसको बनाना, उसके बाद आप देखना कि आपको कैसा लगा। ये जो कटोरा है मेरे आलू के लिए थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो चलिए हम थोड़ा बड़ा कटोरा ले लेते हैं और इसे हम पानी में आधा घंटा छोड़ देते हैं। तो ये लो, आधा घंटा हो गया है हमारा। अब इसे हम अच्छे से छान लेंगे छन्नी में। कोई भी जालीदार बर्तन आपके पास अगर है, जाली वाला जो गमला आता है उसमें, या प्लास्टिक की जो जाली की टोकरी होती है, जो भी आपके पास हो उसमें इसे आप छान लीजिए, अच्छे से दबा दबा के छान लीजिएगा। अब हम लेंगे एक कॉटन का कपड़ा, कॉटन का कोई भी कपड़ा आप ले लीजिएगा, बट वो प्योर कॉटन होना चाहिए जिससे पानी सूखे। अब सारे हम आलू को कपड़े के ऊपर रखेंगे और इस तरह से हम उसे टैप करेंगे, अच्छे से दबाएंगे कपड़े के सहारे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी इसमें है वो कपड़ा टान ले। तो चलो ये काम तो हमारा हो गया। अब हम इसे 5 मिनट के लिए एक बर्तन में फैलाकर पंखे के नीचे रख देंगे। इधर गैस में मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए उसमें डाल देंगे तेल। तो हम यहाँ पर रिफाइंड तेल डाले हैं, आपको जो भी तेल डालना हो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। ये सरसों के तेल में भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। तो हम अभी रिफाइंड में ही इसे छानेंगे, और तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तब हम गैस को बिल्कुल लो कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मूंगफली, लेकिन ये मूंगफली जो है बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब एकदम धीमे आंच में, एकदम लो फ्लेम में हम मूंगफली को फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्लेम अगर हम बढ़ा के रखेंगे, हाई फ्लेम में रखेंगे, तो मूंगफली क्या होगा कि ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम में फ्राई करेंगे। मूंगफली फ्राई करने के बाद उसी कढ़ाई में जो है हम थोड़ा तेल का मात्रा बढ़ा देंगे, इसमें थोड़ा तेल ज़्यादा ही लगता है, और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। चलिए एक आलू डाल के हम इसमें देख रहे हैं कि तेल हमारा गर्म हुआ या नहीं। तो अभी तेल गर्म हुआ नहीं है, तो चलिए थोड़ा फ्लेम को हम बढ़ा देते हैं, जल्दी गर्म हो जाएगा। तो चलो अब तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे आलू को। आलू को इस तरह से हम तेल में छोड़ेंगे।
गैस का फ्लेम को लो और मीडियम का बीच में रखेंगे, ना तो बहुत ज़्यादा कम ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए फ्लेम। इस तरह से हम रखेंगे ताकि अच्छे से आलू हमारा पके। इस तरीके से अगर आप आलू का भुजिया बनाते हैं तो इसे आप महीना दो महीना के लिए आप स्टोर भी कर सकते हैं। इसमें हमने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है। इस भुजिया को हम बिना नमक डाले ही फ्राई करते हैं और इस तरह से फ्राई करने से ये बहुत ही टेस्टी बनता है। जब हम इसे खाने के लिए यूज करेंगे तब इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला डाल लेंगे, तब देखिएगा कितना टेस्टी लगता है। अब इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो जब तक आलू हमारा फ्राई हो रहा है तब एक काम कीजिए आप लोग, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए कर लीजिए और घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे, है ना। तो चलिए कर लीजिए सब्सक्राइब। ये लो, अभी तो आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा कि इधर हमारा आलू का भुजिया फ्राई होके रेडी हो गया। चलो कोई बात नहीं, पहले आप इसे देख लो उसके बाद ही सब्सक्राइब करना। बस तो और क्या, इसी तरह सारे आलू को अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो चलिए कर ही लेते हैं, उसके बाद सारा आलू को फ्राई करके एक ही बार आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारा आलू हमारा फ्राई हो गया है, क्या सुंदर कलर आया है देखिए आलू का, और ये ठंडा भी हो चुका है। कुछ देर हमें इसे ठंडा करना है, उसके बाद देखिए ये कितना क्रिस्पी बनेगा। अब जब भी इसको निकाल के खाइएगा ये इतना ही क्रिस्पी रहेगा, बस इसमें आप नमक नहीं डालिएगा। जब आपको खाना हो उस समय आप इसे निकालो आराम से और उसके बाद नमक या चाट मसाला मिलाकर इसको खाओ, तब देखो इसका स्वाद। अब इसमें बस करना क्या है, बस मूंगफली को इसमें हम मिक्स कर देंगे। अब अच्छे से इसको हम मिला देंगे मूंगफली के साथ आलू को, उसके बाद एक अच्छा सा जार में, बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए, नमी उसमें बिल्कुल ना हो, उस तरह के एक जार में हम इसे टाइट से बंद कर देंगे। उसके बाद जब भी आपको मन हो निकालो और खाओ, और क्या। तो देखा ना आपने कितने कम समय में ये आलू का भुजिया बनके तैयार होता है। तो इसी तरह आप भी बनाइए अपने किचन में, ये बड़ा ही टेस्टी लगता है, आपके पूरे परिवार को ये पसंद आएगा। आपको यकीन ना हो तो एक बार आप बना के तो देखो। और अब हम लेंगे आपसे विदा, क्योंकि फिर से हमें आना है चैनल में एक इसी तरह सिंपल सा रेसिपी लेके। तो तब तक हमें आज्ञा दीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।